हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद स्नेहा एंड दोस व्हेन यू इन माय चैनल। हाय, आई एम स्नेहा। सो टुडे आज क्या करें, आज को समझ में नहीं आ रहा कि आज व्लॉगिंग में क्या कर रहे हैं। तो चलिए आज छत पे चलते हैं, छत पे देखते हैं कि भाई साहब मेरे क्या कर रहे हैं, मेरे भाई जी क्या कर रहे हैं। तो चलिए छत पे चलते हैं। चढ़ाई बारिश ना लिया गया। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा गया, उसमें से स्मेल नहीं आ रहा। तो ये छत पे आए हैं, थोड़ा थोड़ा धूप खिला हुआ है, थोड़ा थोड़ा छांव है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत गार्डनिंग कर रहे हैं दोनों मिल करके। कहाँ पे खुशबू आ रहा है, तुम तो बोल रहे थे ये वाला फूल खिल जाएगा, अभी तो खिला। और यहाँ पे देखो पानी, ये बारिश का, कल रात में जो बारिश हुआ है उसका पानी है, जो फेंक दो यार, पानी जमना नहीं चाहिए, मच्छर आते हैं वहाँ पे। और ये जो पेड़ है ना गाइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको तो ये रातरानी है। और इतना खूबसूरत खुशबू, इतना अच्छा खुशबू है इसका, एक छोटा सा, बस देखो कितना छोटा सा कली है, एकदम छोटा सा उसका फूल खिलता है और इतना सॉलिड तगड़ा खुशबू देता है ना कि आपको क्या बताऊँ मैं। सो यही हो रहा है हम लोग का छत पर। ये क्या है? ये दवा है। ये तो सर्फ लग रहा है। नहीं तो फंगीसाइड, कीड़ा लग रहा है। पर कीड़ा तो उसमें लग रहा है ना ऑलरेडी, वो वाला पेड़ में वो वाले में कीड़ा लग रहा है, ये वाले में, क्योंकि देखो इसका पत्ता जो है ना बहुत ज़्यादा ये हो गया है, कट कट गया है, ये देख सकते हो आप लोग, पत्ता फट फट गया, फट फट छेद हो गया पत्ते में। अरे तो क्या हो गया, हम बस ऐसे छिड़काव मारेंगे दोनों दोनों। इस पत्ते पे भी मारना है। यस। पर अब नीचे जाएंगे तो अपना हाथ धोएंगे। वाह, नल में हाथ धो जाके। ये वाले में ज़रूरत नहीं, बट ये वाले में ज़्यादा ज़रूरत है हमको लग रहा है, क्योंकि ये वाला एकदम उसका पत्ता जो है ना छोटा छोटा हो गया यार। तुम मेरे ऊपर ही मार दो, तुम ही मर जाए पता चले, तुम कीड़ा मारने के चक्कर में मेरे उड़ा दो। गाइस हम लोग को कीड़ा दिख गया है, ये देखिए यहाँ पे, तो इसको मार दो तुम। अच्छा, कीड़ा पूरा पत्ता खा रहा है। ए, कीड़ा नहीं था वो था मकड़ी, पत्ता खाने वाला मकड़ी है। सो ये देखो गाइस, ये है हमारा पालक, अभी ऐसा हुआ है, अभी थोड़ा और ये बड़ा होएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको तोड़ेंगे और फिर हम लोग इसको खा जाएंगे, है ना। तो ये पूरा पालक है और ये है, इसको क्या बोलते हैं, जटामसी। सो जटामसी कहते हैं ना। सो ये जटामसी, छठ में हम लोग को बहुत इसका फूल का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। और ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट एलोवेरा, ये ऐसे ही सो प्लांट है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये रहा मोगरा, बेली जिसको बोलते हैं। ये रहा हमारा जूही, ये एक फूल इतना अच्छा खुशबू देता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा खुशबू देता है ये एक बस फूल। इसका एक फूल आप पानी में डाल के पूरे एक अपने कमरे में रख दो या हॉल में रख दो, कहीं पर भी रख दो। नहीं ओके, ये चमेली अभी तक इसका एक भी फूल नहीं आया है, अभी हाल ही फ़िलहाल हम लोगों ने इसको लगाया है, तो इसका भी ज़्यादा फूल नहीं आया है, तो जब फूल आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। आओ एक बार और एक्सप्रेशन के साथ, एक बार मैं हैक के देखो है क्या। छी, ये है क्या, जानवर की हड्डी से बना हुआ, खा ले। ये भगवान, तो पॉटी से बना हुआ, ये बहुत महंगा
बहुत गंदा, पूरा तुम्हारा वो खुशबू खराब कर देगा। बहुत ताकत है इसमें खाद में। मिर्चाई है क्या रे? हाँ दादी के मिर्चाई डाल देता है। ये वो वाला कौन सा पेड़ आ गया जी? इसका पता है ये क्या है? क्या इसको कभी भी पूजा पर करने वाले पौधे में नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं डालना। तो तुम तो अड़हुल में डाल दिए। अरे जिस पेड़ पौधे का पूजा होता है, गवार, तुलसी, आंवला, ओके ओके, शमी, इसे में नहीं डालना चाहिए। ओके जिसके फूल से पूजा होता है उसमें दिक्कत नहीं है। पौधा में थोड़ा सा ही डालना है। हाँ क्योंकि ये तो अभी ये वाला तो ऑलरेडी तुम एक लाए थे ना? नहीं ये पहली बार। छत का पूरा देख रहे हो सब तरफ पानी पानी ही है बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल भी बहुत बारिश हुई, आज भी बारिश हुई है। क्या यार जब पूछ बोलते तभी इन लोगों को भौंकना रहता है। सो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी है और शाम का भी बज रहा है 7:45, नहीं 6:30, 6:30 समझ लीजिए, 35 हो रहा, 6:35। और ये लड़का भाई बना लो व्लॉग। अभी छिला गया। तो कैसा लग रहा है आपको ब्रो? हाउ इज द जोश ब्रो? ब्रो हाउ इज द जोश? सिर पे लाइट लगाना पड़ेगा। हाउ इज द जोश ब्रो? अभी ये बहुत ज्यादा सन्नाटा इनको छाया हुआ, सदमा लगा हुआ है इनको। गिरने का इनको सदमा लगा है गाइस। हम कब से बोल रहे हैं भाई साहब ब्लॉग बना ले, हमको लगता है ये हम सेकंड टाइम बोल रहे होंगे यहाँ पे आप लोग। अरे भाई नाचे ब्लॉग तो बना रहे हैं, क्या करे, कूदे फाने नंगा नाचे जामा लेके नाचे, क्या करे। ये क्या था? कुछ भी हम नहीं डालने वाले हैं। बोल तो रहा है ब्लॉग बनाओ। एक तो साले को कैमरा खोल सीधे डंग डंग कैमरा खोलने का मन। कितने बार बोलते ब्लॉग बनाना है, तुम बार कैमरा खुलता है चुड़क फिर बंद हो जाता है। तो जिम करते थे ना नया नया हम लोग, तुम और गोरी दी नहीं हम लोग कुछ लोग लड़का लोग करते थे। हाँ। तो सबसे जल्दी बॉडी मेरा बना। हाँ। काई की मेरा जेनेटिक्स बहुत बढ़िया है, ठीक है, डॉक्टर भी बोला। तो सबसे जल्दी 3-4 महीना में आ गया, बढ़िया बॉडी बन गया ठीक ठाक। तो सब पूछने लगा कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या कैसे वर्कआउट कर रहे हो। तो एक दिन क्या हुआ ना, मतलब जिम करते करते अब तो 3-4 साल हो गया, लेकिन पहले क्या होता था ना, जिम करते थे, एग्ज़ाम आया, 2-6 महीना छूट गया, फिर किया, फिर 2-3 महीना छूट गया। वो लोग क्या करता था, आके पूछता था भैया क्या करें, भैया ये करें। वो लोग से एक दिन पूछे, बेटा बॉडी बना किस लिए रहा? एक लड़का था 3 घंटा जिम करता था और उस सबसे घटिया बॉडी था उसका, ठीक है, और एकदम मेरे बराबरी का जिम करता था, जितना मेहनत हम करते थे उतना ही मेहनत करता था और एकदम घटिया दिखता था। तो हमसे पूछा, हमसे बोला, तो हम बोले कि बाबू किस लिए बॉडी बना रहे हो? तो बोला कि है ऐसे ही पर्सनल इशू। हाँ तो हम बोले कि कटा है तो बोलता है कि भैया ऐसे मत बोलिए, दुख होता है। तो हम बोले कि ठीक है। नौवा दसवा में था। तो हम बोले कि ठीक है बाबू, दुख तो होता है लेकिन बॉडी बना के इसलिए। बोला कि भैया हम छोड़ के चली गई है। तो हम बोले छोड़ के गई तो तुम बॉडी बना रहे हो? कहला जिसको दिखाएंगे भैया। तो हम बोले मान लो कि बॉडी बिल्डर पटाई हो तो किसको दिखाओगे तुम, उतना जल्दी तुम्हारा बॉडी बनेगा ना? बोला नहीं भैया। हम बोले उस दिन बोले कि अपने लिए बॉडी बनाएगा ना तो बॉडी 3 महीने में बनेगा।
उसके लिए बनाएगा ना तो फिर 3 साल लग जाएगा, बॉडी नहीं बनेगा ढंग से। अपने लिए बनाओ, किसी और के लिए मत बनाओ। और साला आता था ना तो ठुकरा के मेरा प्यार बजा देता था, और मार साला घुमाच घुमाच के करके एकदम खींचता था, पूरा बॉडी चेक करता था, पूरा बॉडी हिला लेता था। बहुत नमूना सब आया जिम में, चलो तो अपना पता चलेगा। अब जिम हम क्या करेंगे भाई? भाई तो क्या करेंगे क्या करेंगे तो गाइस हम लोग की नोक झोक मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। टाइम हो रहा है 8 जरा मैं खुद 75 से। सो टाइम हो रहा है 8 बज गया है अभी, और इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा। इस तरीके से हम और ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे, तो मिलते हैं आपको तो मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।